क्रिएशन हाजिर हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर। आज हम सीखेंगे अफगानी प्लाजो की कटिंग करना जो काफी ट्रेंड में है। फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बनाएंगे हम 38 लंबाई का, इसकी लेंथ रहेगी 38 इंच की, वेस्ट है 38 इंच, हिप है 42 इंच और मोहरी रखेंगे हम 7 इंच की। इस तरीके से हमने 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा लिया है। बंद वाला हिस्सा हमने अपनी तरफ रखा है और खुला हिस्सा उस तरफ है। ये 2.25 मीटर का कपड़ा है। जैसे हम प्लाजो में मार्किंग करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे, यहां से कपड़े को सीधा कर लेंगे। मेरे पास व्हाइट चौक है, वो इस पे दिखेगी नहीं, इसलिए मैं पेन का यूज कर रही हूँ। आप पेन का यूज मत करना, कभी कभी इसके जो दाग होते हैं वो जाते नहीं। 1.5 इंच की मोहरी की ऊंचाई लेना है हमें, इसमें हम 1.5 इंच कम कर देंगे जो भी हमारी लंबाई है। तो 38 में से हम 36.5 लेंगे और आधा इंच हमें सिलाई में भी चाहिए होगा, तो हम इसको 37 इंच पर जो है मार्क करेंगे। यहाँ पर आएगा हमारा 37 इंच। इसके बाद 2 इंच हम फोल्डेड के लिए लेंगे, इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। आसन का निशान लगाएंगे, तो आसन का निशान लगाएंगे हम हिप के अकॉर्डिंग। हिप है 42 इंच का, तो 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10.5, 2.5 इंच प्लस करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास में 13 इंच। आसन लगाएंगे हम 13 इंच पर। जो हमने सेकंड नंबर पर लाइन खींची है इस पॉइंट से हम आसन का निशान लगाएंगे, ये लगाएंगे हम 13 इंच पर और इसको हम सीधा कर देंगे। इस निशान पर ही हम थाई का निशान लगाएंगे, तो जो हमारा हिप साइज था 42 इंच, इसको हम 4 से डिवाइड किए तो क्या आया है 10.5। 10.5 में हम लूजिंग ऐड करेंगे 4 इंच, तो ये हो जाएगा 14.5। ये हमने जो आसन का निशान लगाया है इसी के ऊपर हम थाई का निशान लगाएंगे। हिप साइज था 42 इंच, 42 का चौथाई भाग 10.5 और उसमें हमने 4 इंच की लूजिंग ऐड की है, तो यहाँ से हम 4 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 14.5 इंच। यही 14.5 इंच हम यहां पर भी लगाएंगे। इसको सीधा कर देंगे। अब लगाएंगे हम क्रॉच एरिया का मार्क, तो 42 इंच का हिप साइज है तो हम कम से कम 2.5 इंच का जो यहाँ पर क्रॉच एरिया बनाएंगे इसको इससे सीधा कर देंगे। यहाँ से 1 इंच उठाकर इसकी गोलाई देंगे। यहाँ पर टोटल चौड़ाई जो है 17.5 इंच की, तो आप 17.5 मोहरी पर भी रख सकते हैं और आप उसको कम भी कर सकते हैं, तो इसको हम 16.5 इंच का लगाएंगे। 1 इंच हमने इसको कम कर दिया है। एक इंच हम इसके फोल्डिंग के लिए मार्क कर लेंगे और बाकी जो है हम इसको चुन बना लेंगे। सेपट्टी की मदद से इसकी गोलाई दे देंगे। पूरे मार्क लग चुके हैं, अब इसकी कटिंग करेंगे। देखिए हमारी पूरी कटिंग जो है हो गई है, अब इस पर हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आसन को ज्वाइंट करते हैं, तो आसन को जोड़ेंगे। ये हमने कपड़े को खोल लिया है, ये 2 तह में है, ये हमारा उल्टा हिस्सा है और ये अंदर तरफ सीधा हिस्सा है। तो सबसे पहले हम आसन को ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से। ये हमने 4 इंच की पट्टी जो है मोहरी बनाने के लिए कट कर ली है और इसकी इसकी चौड़ाई जो है 16 इंच है।
तो 14 इंच की जो है हम मोहरी तैयार करेंगे। तो यहाँ से एक एक इंच जो है हमारा फोल्ड में जाएगा, आधा इंच हमारा यहाँ से सिलाई में जाएगा। उसके बाद 1.5 इंच की जो है हमें मोहरी तैयार करनी है। ये निशान लगा लेंगे कि हमारे पास गोटा है, ये हम इसमें मोहरी में लगाएंगे। इसके लिए जो 1.5 इंच की चौड़ाई है इसके बीच में हम 2 लाइंस डाल देंगे गोटे की। तो इस तरीके से आधा आधा इंच के गैप पर 2 लाइंस हम डाल देंगे। इस तरीके से गोटा लेंगे, इसके रख के इसको सिल देंगे। ये हमारी मोहरी का कपड़ा है, इसको हम सीधा रखेंगे और ये जो हमारा प्लेन हिस्सा है ये बैक में जाएगा और ये जो हमारा डिज़ाइन वाला कपड़ा है ये फ्रंट में आएगा। तो इसको हम इस तरीके से रख लेंगे। इसके बाद हम लेंगे अपना प्लाजो का कपड़ा और इसको सीधा रखेंगे। यह हमारा सीधा हिस्सा है और ये हमारा उल्टा हिस्सा है। तो ये इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसका भी हम सेंटर बना लेंगे। सेंटर से सेंटर को मिलाकर इस तरह पिन अप कर लेंगे। 1 इंच तक हम सीधे सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमें 7 इंच की जो है मोहरी बनानी है और हमने लिया था 8 इंच। इस तरीके से आप निशान लगा लेंगे। यहाँ तक है जो हम 1 इंच तक सीधी सिलाई डालेंगे। यहाँ से हम प्लेट बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारी जो प्लेट्स हैं वो डल गई हैं, अब इसको हम पलट कर सिलेंगे। तो इस तरीके से हम इसको पलटेंगे, आधा इंच जो है इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रखकर इस तरीके से सिलाई करेंगे। देखिए हमने अपनी जो दोनों मोहरी हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। अब इस पर जो हम सिलाई लगानी है साइड की सिलाई ये और लगा लेंगे। तरीके से 7 इंच नाप लिया हमने, यहाँ से हम 1 इंच पर। यह हमारा फोल्डेड पार्ट था इलास्टिक डालने के लिए, तो यह हमने देखिए सिल लिया है। अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक डालने का तरीका होता है कि जो भी आपकी कमर की गोलाई है टोटल गोलाई उसमें से 6 इंच हम कम कर लेंगे। तो ये हमने 6 इंच कम करके और इलास्टिक ले लिया है। अब पिन की हेल्प से हम इसको इन कर देंगे, ये हमने इसमें डाल लिया। अब इसके ऊपर रख करके हम सिलाई कर देंगे। देखिए ये हमारा प्लाजो जो है बनकर तैयार हो गया है, इलास्टिक भी हमने इसमें डाल लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।